इंश्योरेंस का एक डाटा कलेक्ट करवाया था एनएसएस से, तो हमारी एक्टिविटी एक क्वालिटी डाटा जनरेट करने में कामयाब नहीं थी, क्योंकि एनएसएस वॉलंटियर्स में जो एक जज्बा होता है जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे स्काउट्स करके एक एक्टिविटी होती थी, तो स्काउट्स में जो एक जज्बा हमारे टीचर्स हम में भरने की कोशिश करते थे, तो वही जज्बा है जो एनएसएस वॉलंटियर्स को आज के दिन जो टीचिंग फैकल्टी होती है वो खाली पढ़ाने के लिए नहीं होते हैं। वो अपनी जिंदगी का जो भी एक फलसफा होता है वो आप लोगों के सामने बांट कर जाते हैं, जो भी उन्होंने देखा होता है। मैं 63 साल का हूं, मेरे साथ डॉक्टर साहब बैठे हैं वो मेरे से भी 10 साल बड़े हैं, हम सबके पास एक एक अपनी अपनी स्टोरी है, हमारे पास सबके पास अपने अपने अनुभव हैं, हमें सबको अपनी कमियों का पता है। तो जब आपको एनएसएस की ट्रेनिंग सिटीजन ऑफ अवर कंट्री बनकर निकले और फ्यूचर में जो भी अच्छा हम अपने देश के बारे में सोचते हैं, अपने समाज के बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं या अपने बारे में सोचते हैं, वो आप करने में कामयाब हो सकते हैं। तो उसी तरह जो लगा, मैं मेडिकल प्रैक्टिशनर हूं, फैमिली फिजिशियन हूं, 1979 से मैं इसी एरिया में हेल्थ सर्विसेज दे रहा हूं, लेकिन हमारे देखते देखते ही, हमारे काम करते करते ही, हमारे कितने ही लोग, कितने ही प्रेमी लोग सज्जन ब्लड प्रेशर के कारण, डायबिटीज के कारण, हार्ट अटैक के कारण बिना मतलब के वो उनकी डेथ हो गई। तो डायबिटीज का चैलेंज आया, उस पर हमने काम किया। इसी तरह अब जो एक नया चैलेंज हमारे सामने है वो है कैंसर। जो कैंसर इंसिडेंस है वो इस समय इतनी ज्यादा है, एक पुरुष और 7 में से 1 महिला को अपनी जिंदगी में कैंसर से रूबरू होना पड़ता है, और इसी तरह 8 में से 1 पुरुष और 11 में से 1 महिला को कैंसर की वजह से मौत का शिकार होना पड़ता है। तो ये इसका इसमें हमारे पास चैलेंज कितना बड़ा है कि 11 में से 1 महिला की मौत में कैंसर ही कारण है। और अगर हम बात करें कि कैंसर के इलाज में हुई बेहतरी के कारण 43.8 मिलियन लोग पिछले 15 साल में हम बचाने में कामयाब रहे।